गाइस, मैं आपकी होस्ट रांदोस प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपका खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग भोजपुरी। बिल्कुल आप सभी के लिए मैं इस प्रोग्राम पे आपने भोजपुरी ट्रेंडिंग भोजपुरी में आपके लिए कुछ ऐसी जानकारियां, कुछ ऐसी खबरें लेकर आती हूं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहती है या यूँ कहिए कि तहलका मचाती हुई रहती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी खबरें जो कि सोशल मीडिया पर दर्शकों की डिमांड में ज़्यादा रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा खबरों में बनी रहती है। तो चलिए आज की खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के लिए जो खबर लेकर आई हूँ वो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की हॉट एक्ट्रेस यानी कि निशा दुबे के साथ की है। निशा दुबे का हाल ही में फिल्म गदर टू का एक गाना रिलीज हुआ है जो कि बॉलीवुड के गानों को भोजपुरी वर्जन में कन्वर्ट करके गाया गया है। और आपको यकीन नहीं होगा कि निशा दुबे का ये गाना दर्शकों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है कि आज के समय में 3.5 लाख व्यूज़ को वो पार कर चुका है और अभी ये चंद दिनों पहले ही रिलीज़ हुआ है। तो चलिए आपको बिना देर के दिखाते हैं कि आखिरकार निशा दुबे का वो कौन से फिल्म का गाना है, कितने व्यूज़ हैं, कब रिलीज हुआ था और ये सारी तमाम जानकारियाँ आप सभी को देंगे हम अपने इस प्रोग्राम में। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 90 के दशक में अक्षय कुमार और रवीना टंडन स्टार फिल्म मोहरा का गाना तू चीज बड़ी है मस्त में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, मगर अब इस गाने का भोजपुरी वर्जन भी आ गया है जिसमें निशा दुबे और एक्शन किंग विशाल सिंह नजर आएंगे। चर्चित निर्देशक रमाकांत प्रसाद की फिल्म गदर 2 का गाना हम चीज बड़ी है मस्त, उसी गाने का भोजपुरी सीक्वेंस बनाया गया है जिसमें निशा का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, गाने में निशा काफी हॉट लग रही हैं और डांस भी उनका बेहतरीन है। बता दें कि इन दिनों बॉलीवुड में पुराने गानों के नए म्यूजिक के साथ फिल्मों में प्रेजेंट करने का ट्रेंड चल रहा है जिसमें कई गाने नए अवतार में पसंद किए गए हैं, तो लोगों ने उस गाने को खूब पसंद किया है। इसके बाद अब निशा दुबे को लेकर रमाकांत प्रसाद ने इस गाने को भोजपुरी वर्जन हम चीज बड़ी है मस्त को अपनी ही फिल्म में शामिल किया है। जी हाँ, इस गाने को भोजपुरी दर्शकों ने सर आंखों पर बैठा रखा है और अब तक वीनस म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर इस गाने को रिलीज करने के बाद 4 लाख लोगों ने इस गाने को देख लिया है। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरीके से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में निशा दुबे का जलवा इन समय बरकरार दिखाई दे रहा है, या यूं कहें कि उनके सितारे बुलंदियों पर नजर आ रहे हैं और इसी वजह से शायद उनका ये गाना दर्शकों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब आगे देखेंगे कि आखिरकार निशा दुबे का ये गाना कौन सा नया रिकॉर्ड बना पाता है। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारे पास अगली खबर आई हुई है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की हॉट केक एक्ट्रेस अंजना सिंह। बिल्कुल आज वॉन्टेड फिल्म का एक आइटम सॉन्ग रिलीज हुआ है जो कि हमारी अंजना सिंह का है। कुछ समय पहले आप सभी को जानकारी दे दी गई थी कि अंजना वॉन्टेड फिल्म में एक आइटम सॉन्ग शूट करने वाली है जो कि अब बतौर ऑडियो रिलीज कर दिया गया है सोशल मीडिया पर। कुछ ही घंटे पहले इस गाने को रिलीज़ किया गया है, तो अभी व्यूज़ के मामले में तो हम आपको इसकी डिटेल्स नहीं बता सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये गाना काफ़ी सुपरहिट होने वाला है। वैसे अंजना के इस गाने का हर किसी को इंतज़ार था। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आखिरकार अंजना का वो कौन सा गाना है जो दर्शकों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। भोजपुरी की हॉट केक एक्ट्रेस अंजना सिंह आज के समय में किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि अपनी अदाओं से और अपने डांस से दर्शकों का दिल जीतने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज हम आप सभी को बता दें कि आज अंजना सिंह की एक नया आइटम सॉन्ग सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है जो कि इस साल की आने वाली फिल्म वॉन्टेड में आइटम सॉन्ग है, जिस गाने के बोल है घूंघट उठा के छोड़ दिया। जी हाँ, वॉन्टेड फिल्म में ये गाने को देखने के बाद आप सभी को आम्रपाली का सबसे हिट गाना राते दिया बुता के पिया पक्का याद आने वाला है, क्योंकि इस गाने में जिस तरह से आम्रपाली ने दुल्हन के लुक में कहर बरसाया था, ठीक उसी तरह से आम्रपाली के बाद अब अंजना सिंह भी इस गाने में उसी लुक के साथ कहर बरसाने वाली है। लेकिन कुछ ही समय पहले रिलीज हुई इस गाने को अब तक काफी अच्छे व्यूज मिल रहे हैं और देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि आखिर ये गाना व्यूज के मामले में कौन सा नया रिकॉर्ड तोड़ पाता है। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरीके से अंजना सिंह अपनी हॉट अदाओं से, अपने जलवे से बॉक्स ऑफिस पर एक नया धमाल लेकर आने वाली है, या यूँ कह लें कि अपना एक नया अंदाज लेकर आने वाली है। खैर, हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारा पास हमारी अगली खबर जो है वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के देसी हीरो खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे के साथ जुड़ा हुआ है। इन दोनों की चर्चा लास्ट समय जब हुई थी एक साथ, जब इन दोनों की फिल्म, जी हाँ, खेसारी की फिल्म दुल्हन गंगा
आरके का गाना शूट हो रहा था, जहां पर आम्रपाली और खेसारी दोनों एक साथ नजर आए थे, तो वहीं एक बार फिर से इन दोनों की चर्चाएं आ चुकी हैं खबरों में। और कहा जा रहा है, जी हां, 27 अप्रैल को होने वाले स्टेज शो के दौरान खेसारी और आम्रपाली का डांस इतना धमाकेदार रहा था जिसे देखकर दर्शक काफी ज्यादा बेकाबू हो गए थे। तो बताते हैं आखिरकार कि आम्रपाली ने ऐसा क्या धमाल किया है और हमारे खेसारी लाल यादव ने ऐसा क्या जादू बिखेरा है हमारे दर्शकों पर, जिसकी वजह से आज ये दोनों की खबरें इतनी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। 27 अप्रैल को आम्रपाली खेसारी का पूर्वी जिला चंपारण में धमाकेदार स्टेज शो हुआ, जिस स्टेज शो में खेसारी की फिल्म दुल्हन गंगा पार के का गाना मरद अभी बच्चा वापर जमकर दोनों ने डांस किया। जी हां, 27 तारीख को हुए स्टेज शो में खेसारी और आम्रपाली ने जमकर इतना ज्यादा डांस किया, जिस डांस को देखने के बाद वहां की पब्लिक बेकाबू हो गई थी। लेकिन फिर भी खेसारी और आम्रपाली का धमाके डांस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वैसे आम्रपाली ने खेसारी के गाने में कहा, जी हां, मरद अभी हमार बच्चा बा, और जमकर डांस किया। और डांस करते समय आम्रपाली ने खेसारी को कहा कि अभी वो बच्चा है। जी हां, साथ ही आप सभी को बता दें कि खेसारी और आम्रपाली के अलावा स्टेज शो में चार चांद लगा रहे थे मनोज तिवारी और उनके गाने। जी हां, मनोज तिवारी ने अपना सारे हिट गाने गाए और वहां पर गाए चंपारण के इतिहास और उनकी माटी को लेकर जुड़ा हुआ लोकगीत भी गाया, जिसके बाद वहां के दर्शक मनोज तिवारी के गाने पर खुद भी डांस करने लगे। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरीके से आम्रपाली और खेसारी की जोड़ी सिर्फ स्टेज शो पर इतना ज़्यादा धमाल कर रही है, इतनी ज़्यादा चर्चाओं में बनी है। तो सोचिए, जब ये फिल्म जब ये जोड़ी पूरी एक फिल्म में एक साथ नज़र आ जाएगी तो सोचिए क्या धमाल होगा बॉक्स ऑफिस पर। वैसे दर्शकों को काफ़ी समय से इंतज़ार है इन दोनों का एक साथ काम करने का। लेकिन हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारे पास अगली खबर है फिल्म गदर 2 से। गदर 2 का लगभग सारे गाने रिलीज कर दिए गए हैं ऑडियो में। अब देखना ये है, हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिरकार कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है और कौन सा गाना कितने कम समय में कितने व्यूज पा चुका है। तो ये सारी जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कि आखिर गदर 2 का कौन सा गाना दर्शकों को बेहद पसंद आया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कुछ समय पहले भोजपुरी के सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म गदर 2, जी हाँ, दर्शकों को उम्मीद से ज़्यादा पसंद आई और उसे उम्मीद से ज़्यादा प्यार भी मिला। और अब सोशल मीडिया पर इस फिल्म के सारे गाने एक के बाद एक रिलीज़ किए जा रहे हैं और इस फिल्म के गाने भी दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि गदर 2 का गाना रिलीज़ कर दिया गया है और आज के समय में अगर बात करें तो आज के समय में उस फिल्म के सभी गाने लाखों के व्यूज के साथ काफी आगे निकल चुके हैं। साथ ही उस समय पर हाल ही में रिलीज हुए गाना हम चीज बड़ी है मस्त मस्त को दर्शकों की तरफ से सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा है और कुछ दिन पहले रिलीज हुए इस गाने को सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। वैसे आप सभी को बता दें कि आप दर्शकों को इंतजार है इस फिल्म के सोशल मीडिया पर रिलीज होने का, ताकि जो दर्शक इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर नहीं देख पाए हैं वो लोग सोशल मीडिया पर इस फिल्म का मजा ले सकें। जी हां, और बहुत उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत जल्द ही सोशल मीडिया पर रिलीज कर दी जाएगी, जो कि दर्शकों की तरफ से उसे और भी ज़्यादा प्यार मिलेगा। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरीके से इन दिनों सोशल मीडिया पर भोजपुरी इंडस्ट्री का तहलका बरकरार है, या यूं कहें कि भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रही है और इन सारी चीज़ों का सबूत है आप सभी के सामने ये आंकड़े, जो कि गाने की वजह से, फिल्मों की वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। खैर दोस्तों, हम बढ़ते हैं अब दर्शकों की ओर, यानी कि हमने अपने कमेंट्स की ओर। हमारे पास पहला कमेंट है दीप चंद कुमार का, जिन्होंने लिखा है वेरी गुड कल्लू भैया। तो वहीं पर दीपक का मैसेज है जियो बक्सर कैसे हैं, इन्होंने इस तरीके का मैसेज किया है। वहीं पर अगला मैसेज है दीपक का, जिन्होंने लिखा है बक्सर के शेर, यानी कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कल्लू की सराहना की है। वहीं पर आगे मैसेज है, माफ़ी चाहेंगे मैं उनका नाम तो नहीं, पर राधे नारायण, जी हाँ, राधे नारायण का मैसेज है, जिन्होंने लिखा है गुड्डू राजकुमार, उन्होंने अपना नाम और मोबाइल नंबर शेयर किया है। वहीं पर बेस्ट ऑफ लक कल्लू जी, उन्होंने मैसेज किया है। वहीं पर अगला मैसेज भी है सुपर स्टार है कल्लू जी, और पंकज जी का मैसेज है सुपर स्टार है कल्लू, वहीं पर चिंटू सुपरस्टार है, ये नीरज जी का मैसेज है। थैंक यू सो मच सर, आप सभी ने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और इतना प्यार दिया। ऐसे ही कमेंट, लाइक और शेयर करते रहिए। और जी हाँ, हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाए, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो आप सभी तक पहुँच सके। आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, अब मैं आप सभी से लेती हूँ विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।
हैं।